ने अपनी मदद आप कलेक्शंस किए। सर ये तो आम बात नहीं है कि हमने कोविड पे कलेक्शंस किए। कैंसर जैसे बड़े बड़े पेशेंट्स हैं हमारे इलाके में, जिनको ना खुद उनकी इतनी पे हो सकती है कि वो उस कैंसर से लड़ सके। डेली यहाँ पे डेली बेसिस पे आप कह सकते हैं कि लोग कैंसर के पेशेंट्स निकल रहे हैं। तो हमने कैंसर पेशेंट्स के लिए भी कलेक्शंस किए ऑन द रोड, रोड पे निकल के अपनी वॉलंटियर के साथ। मैंने मतलब पंजगुर में कलेक्शंस किए फोर्टिकेशन कैंसर पेशेंट्स, कराची में कलेक्शंस किया हुआ है। गवर्नमेंट के तावन हो हमारे साथ, हमारे यूथ के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपनी गवर्नमेंट की नाइली आप उसको कह सकते हैं कि ये नहीं है। आई एम द पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, ऑल्सो आई एम द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट पंजगुर। बट फिर भी मतलब मैं इसकी जो कमियाँ हैं उनको जाहिर करना चाहता हूँ। मतलब कोविड का क्राइसिस आ गया, गवर्नमेंट कोई भी इस पे ध्यान नहीं था। इससे पहले कितने क्राइसिस आ चुके हैं, बलूचिस्तान कई क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हम लोगों ने। मतलब पहले सबसे पहले अपनी टीम को मुतैद करना, टीम को समझाना, उनको अवेयर करना, ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम था कि इस्लामाबाद से हम आए पंजगुर। दैट वाज जनरल इलेक्शन टाइम, जब जनरल इलेक्शन चल रहे थे, तो हमने अपनी एक यूथ अलायंस की टीम बनाई कि हम अपने वोट, हम जाके उन घरों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि आप लोग अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें, आप अपनी वोट का किस तरह सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं, मेरी टीम, शेरली जनरल सेक्रेटरी थे हमारे और दूसरे भी दोस्त थे, हमने अपने इलाके में ये वर्क शुरू किया कि हम उनको बता सकें कि आप किस हिसाब से अपना वोट, ये एक अमानत थे, आप इसको किस तरह दे सकते हैं और किस लीडर को देना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे यूथ को एक तो अप्रिशिएशन की बजाय उनको हमेशा एक पता नहीं ऐसी नज़र से देखते हैं कि वो हमेशा अपनी जो अप्रिशिएशन के काम होते हैं उनको छोड़ देते हैं। या पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये इस तरह बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन आप देखें कि आपकी वजह से कितने लोगों की मदद हो रही है, कितने लोग आप लोगों की वजह से जी रहे हैं, या फिर आप लोगों की वजह से कितने मोटिवेट हो रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी किए, मतलब स्पेशली अपनी टीम को बनाते हुए, टीम को मुतैद करने के लिए बनाए हुए हमारे मुख्तलिफ वॉलंटियर्स हैं इलाके में, तो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। कोविड 19 का जो कलेक्शन था, वो कलेक्शन हमने घर घर से जाके विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग घर घर से जाके हमने कलेक्ट किया। उन घरों में जाके कि वो जो मुखीर हजरत हैं उनसे कह कह करके आप हमें अपनी कलेक्शन दे दें, चाहे वो 100 रुपए का हो या 10 रुपए का हो, आप ये कलेक्शन हमें दे दें, ताकि इसकी वजह से हम कई 2-3 घरों तक राशन पहुंचा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं, हमने काफ़ी घरों तक राशन पहुँचाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये कब तक हम इस तरह चंदा करके या डोनेशंस लेके कंट्रीब्यूशंस करके हम आवाम को दे सकते हैं कलेक्शन की। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूशंस लाए, गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस लाए, ताकि मतलब स्पेशली इन बलूचिस्तान यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेल स्किल्ड हैं, उनके स्किल्स को प्रमोट करें, उनके स्किल्स के थ्रू आप उनको पे दें, ताकि वो ये चंदा लेने के लिए उनका इज्जत नफ्स मजरू ना हो। That's the best big point. Good, जबरदस्त। I truly appreciate जिस तरह से आपने गुहराम, माशाल्लाह, मैं काफी जगहों के ऊपर आपका ये मिसाल भी कोट करता हूँ कि एक ऐसा नौजवान जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU से ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने इलाके की, अपने लोगों की खिदमत के लिए वापस जाऊंगा, और उसने वहां पर जाके एक मिसाल कायम की हमारे स्पेसिफिकली जो अर्बन सिटीज के लोग हैं, जो मुकम्मल अयाशों के अंदर मुकम्मल सहूलियात के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है लोगों को जो है वो उनके अंदर एक पैसिमिस्टिक सोच जन्म लेती है। और आप जैसे नौजवान यकीनन हमारे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए और पूरे हमारे खित्ते के लोगों के लिए एक मिसाल है कि जिन्होंने एक इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि अगर चाहते तो इस्लामाबाद में कोई किसी भी जॉब के साथ बंदा सर्वाइव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, स्पेसिफिकली जब बंदा जो है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो। और माशाल्लाह यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई नो वेरी वेल। अभी चलते हैं शेर अली बलोच की तरफ। कैसे हैं, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। तो सुनाए कैसी क्या कैसी एक्टिविटीज चल रही हैं माशाल्लाह, और क्या पैशन है जिसकी वजह से अभी तक जो है वो आप लोग मैदान में हैं? स्पेशली जब मैं आपको देखता हूँ, गुहराम को देखता हूँ, तो यू गाइस आर रियली इंस्पिरेशनल फॉर
होल ऑफ पाकिस्तान? काशिफ भाई देखें, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो यही है कि काम का लगन होना चाहिए। Somebody has to do it. किसी ना किसी को तो करना है। अच्छा, ये जब आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, ये जो स्पेसिफिकली आप लोगों ने जब फिलेंथ्रोपिक वर्क स्टार्ट किया, तो इसमें बहुत से लोग जो हैं वो आपको इनकरेज करने के बजाय, जैसे गोहराम भी अभी बात कर रहे थे, वो आपको डिस्करेज करते हैं कि यार ये क्या काम आप लोगों ने शुरू कर दिए हुए हैं, जो भी इस तरह की बातें आपको लोग करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या इस तरह के कुछ हर्डल्स आई? जी काशिफ भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने टीम बनाया, स्पेशली इस कोविड के टाइम, कि वी विल गो, हम चंदा इकट्ठा करेंगे और घरों में राशन प्रोवाइड, इसमें क्या था, तो हमने उनको यही समझाया कि भाई आप 10 रुपए एक बंदा जब इकट्ठा करेगा, 1000 बंदे 10-10 रुपए इकट्ठा करेंगे तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो बस चलता गया, उसके बाद कलेक्शन स्टार्ट हो गए, लोगों ने ट्रस्ट किया हमें, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें लोग भी इंटरेस्टेड हो। तो आप दूसरे यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे जो दूसरे लोग अभी हमें देख रहे हैं? अब देखें, फॉर इंस्टेंस हम काशिफ भाई, सबसे बड़ी बात का पैगाम की तो यह है कि बंदा काम करना चाहे कर सकता है। Nothing is impossible in this world. कुछ भी impossible नहीं है, बस लगन होनी चाहिए काम करने की। आप खुद, एक बंदा जब शुरू कर देता है फिर रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, उसके अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ आना शुरू हो जाते हैं, वो आगे कामयाबी की तरफ गामजन हो जाता है। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह एक सियासत में भी आप एक काफी अरसे से जो है वो मौजूद हैं, और बीइंग ए यंग पॉलिटिशियन, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी, सियासत में क्यों आए? काशिफ भाई, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब थे पॉलिटिकली। उन्होंने बलूचिस्तान में काफी टाइम तक, कोई राउंड अबाउट 35 इयर्स तक पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं बलूचिस्तान में। देन ही डाइड इन 2008। तो वो एक खला थी हमारे फैमिली में, हमारे इलाके में वो खाली थी। तो दैट वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। फिर मैंने अपना मास्टर्स किया, डिग्री कंप्लीट की, तो आई वेंट बैक टू माय विलेज। मैं देखता रहा कि इस्लामाबाद में भी आपकी जो एक्टिविटीज थी, इस्लामाबाद में भी इवन के आई ट्रूली ऑब्जर्व्ड के जिन दिनों के अंदर आप अपना फाइनल थीसिस जमा करवा रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहे थे, उन दिनों भी आपने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि आप ऑन ग्राउंड गए, आपने लोगों के इंटरव्यूज भी किए, और फिर आपने मुकम्मल एक रिपोर्ट भी कंपाइल की। आप पब्लिक पॉलिसी का भी एक अच्छा तजर्बा आप रखते हैं, तो क्या पब्लिक पॉलिसी के कुछ फलाज को आइडेंटिफाई करें कि आप जब बलूचिस्तान की पॉलिसीज को या उस तरफ से देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या मिसिंग चीज क्या है वहां पर? काशिफ भाई देखें, बलूचिस्तान में सबसे बड़ी मिसिंग चीज पॉलिसी एडवोकेसी को लेकर यही है कि वहां पे पॉलिसीज बनती बहुत लेट हैं, और व्हेन द टाइम गोज अप, जब टाइम उड़ जाता है तो फिर वो बनना शुरू हो जाते हैं। और उनकी सबसे बैक, मेरे ख्याल से बैकड्रॉप जो यही है कि वहाँ पे पॉलिसीज के लिए एडवोकेसी, जो सर्टेन टाइप ऑफ एडवोकेसी जरूरत होती है, वो नहीं मिलती वहाँ पे। लैक ऑफ मीडिया की वजह से, लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन की वजह से, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और इंडिजिनियस डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज यही होती है कि दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि आप लोगों को अपलिफ्ट करेंगे पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या टेक्निकली। तो फॉर पॉलिटिकल अपलिफ्टिंग ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल, या जिनको हम इंडिजीनियस पीपल कहें या ट्राइबल एरियाज के लोग कहते हैं, इनके लिए कोई सर्टेन टाइप ऑफ नेशनल या प्रोविंशियल कोई पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है, बदकिस्मती से, ना नेशनल लेवल पे ना कोई प्रोविंशियल लेवल पे। तो सबसे पहले इन लोगों को, मेरे ख्याल से कोई दो किस्म के प्रोग्राम चले हैं इंडिजीनियस पीपल्स को लेकर पूरे पाकिस्तान में। एक बलूचिस्तान में चला है रावी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोग्राम चलाते हैं इंडिजिनियस डेवलपमेंट को लेके, और एक चला है कैलाश वैली हनी बी कीपिंग के प्रोग्राम
काम चला है वो भी स्पेसिफिक पब्लिक को एक परसेप्शन बन जाए, जब परसेप्शन बन जाएगी तो उनके लिए पॉलिसी साजी करना हमारे लिए कौन ग्राउंड हम काम नहीं करते और डायरेक्टली कोई पॉलिसी बना के थोंस देते हैं लोगों पे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इनके ये आज ये बहुत बड़ी एक डिबेट है कि जो क्लास जो हमारी पॉलिसीज हैं वो क्लास रूम्स में बन रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर लोग बैठे पॉलिसीज बना रहे हैं, एविडेंस की जो है वो वाकई वो लैक करते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आखिरी सवाल, उसके बाद हम मैडम लुलवा बलोच की तरफ जाएंगे। सवाल ये है कि आप की क्या तरजीह होगी, आई एम सीइंग कि इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शंस के अंदर आप इंशाल्लाह आप पार्टी आपको टिकट दे और आप विन करें, तो आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या होंगी जो है जो हमारी सीट विन करने के बाद? कश्यप भाई बलूचिस्तान को लेके मेरा कोई एक अपना आइडिया है, लोगों मतलब दोस्तों से मशवरा किए हैं हमने काफी डिबेट्स के बाद, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ स्पेशली इन केस ऑफ बलूचिस्तान वी नीड सच अ सिस्टम के वो सर्विस बेस्ड डिलीवरी कर सके, नीड बेस्ड डिलीवरी कर सके सर्विसेज की, फॉर एग्जाम्पल वो एजुकेशन की हो या हेल्थ की हो या चाहे जिस सेक्टर में हो, नीड बेस्ड सर्विस डिलीवरी की जरूरत है बलूचिस्तान में, यानी कि वी हैव टू गो डोर टू डोर। यहाँ पे डिस्पर्स पॉपुलेशन की वजह से अगर आप कहते हैं कि हम एक सिटी को डेवलप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 0.5% बलूचिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उससे 99.95% बच जाता है क्योंकि पॉपुलेशन इतना डिस्पर्स है इतने दूर दराज इलाकों में है। तो फॉर देट वी नीड सबसे पहले कि हम ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाएं जिसके थ्रू नीड बेस्ड सर्विस डिलीवरी हो सके बलूचिस्तान में इन ईच एंड एवरी सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो। उसके बाद हम फॉर मी के ये है कि ट्राइबल लोगों को मोबिलाइज करें या उनको ऑर्गेनाइज करें ताकि वो उनका एक इमेज आ सके नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया में। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आप सपोर्ट करें उनको ताकि वो पॉलिसी साजी में उनका कोई रोल बन सके नेशनली और प्रोविंशियल लेवल पे दोनों में। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि मैडम लुलवा बलोच जो है मैडम का तलक भी जो है वो एक सियासी घराने से है और बहुत ही एक्टिव हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, बशर पाकिस्तान के बहुत से सेशंस मैडम की मावनत से हमने तय किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो एक बशर पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड हो चुका हुआ है। तो मैं मैडम से पूछूंगा कि जो जिस तरह अभी गोहराम भी बात कर रहे थे और शेर भाई ने भी यही चीज़ें ऐड की कि जो एजुकेशन है और जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज का मैकेनिज्म है ये बलूचिस्तान के अंदर हालात को बेहतरी करने के अंदर या एक इंडिजिनस डेवलपमेंट के अंदर काफी रोल प्ले कर सकते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? जी मैं अपने भाइयों के साथ बिल्कुल इन बातों पे जो है आई कंप्लीटली एग्री विद देम। इसमें कोई शक नहीं है दैट द एरिया दैट वी बिलोंग टू बलूचिस्तान जो इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान का सबसे पसमानदा प्रोविंस है एंड यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस होती हैं जब बिकॉज हम लोग जो हैं कल्चरली ऑन ग्रास रूट लेवल वी आर वेरी मच लिंक्ड टू आवर पीपल, वी नो देयर इश्यूज, वी नो कि चैलेंजेस क्या हैं, और हमारे लिए भी इवन दो हम पॉलिटिकल फैमिलीज से आते हैं हम गवर्नमेंट्स के साथ इस वक्त तो कम से कम वी आर वेरी मच इन टच विद द गवर्नमेंट, बट व्हाट वी सी इज के देयर समवेयर वो जो एक गवर्नमेंट का सपोर्ट है फॉर द यूथ इट इज लैकिंग। देयर इज नो डाउट इन द फैक्ट के बलूचिस्तान में पोटेंशियल नहीं है या बलूच या उनके अंदर एक जो वो चाह होती है कुछ कर दिखाने की वो नहीं है। मायूसियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, हमें भी फेस होती हैं, शायद लोगों को लगता होगा कमिंग अप टू दिस लेवल इस वक्त हमें चैलेंजेस फेस नहीं होती हैं, बट बलूचिस्तान इज सच अ प्रोविंस, आप उसकी पॉपुलेशन स्केर्स पॉपुलेशन देख लें, आप उसके लॉन्ग डिस्टेंसेस देख लें, आप उसकी पॉवर्टी देख लें। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज से जब निकलते हैं आफ्टर दैट दे हैव नो वे टू गो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो वे टू गो, उनके जो ऑप्शंस हैं वो हमने खुद बहुत लिमिटेड जो हैं रखी हुई हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, ये दो चार प्रोफेशंस हैं जो काफी मशहूर हैं उसी में लग जाते हैं।
The other issue that comes is ke hamare yahan because industrialization us tarah se nahi hui hai, kafi industries hain jinko tap kiya ja sakta hai, bahut aaram se tap kiya ja sakta hai, koi mushkil kaam nahi hai. There is a lot of ground jo cover bhi ho sakta hai, lekin jo support hai that is lacking. Hamare universities mein incubation centers, research centers, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए. देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे है ही नहीं ये कॉन्सेप्ट, एंड वी आर ट्राइंग टू इनिशिएट इट अभी बिकॉज आई बिलोंग टू किच, सो वी आर ट्राइंग टू इनिशिएट इट विद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत विद फ्यू स्टूडेंट्स जो इस आर का नीड है, विच इज यू नो सैनिटाइजर्स एंड मास्क एंड ऑफकोर्स अवेयरनेस स्प्रेडिंग, वो स्टूडेंट्स के थ्रू करा सकें, सैनिटाइजर्स को उनको सीड मनी देकर उन्हें हेल्प कर सकें और वो अपना एक बिजनेस का जो है स्टार्टअप ले सके. दीज आर वेरी इजी थिंग्स. वी ऑफ कोर्स नीड गवर्नमेंट सपोर्ट इन दिस. बलूचिस्तान में जिस तरह इन्होंने बात की, इस वक्त कोविड के दौरान जो मुझे दिखा है, हमारे बशरे पाकिस्तान के जो काफ़ी मेम्बर्स हैं, दे आर फुल फ्लेज्ड वर्किंग इन द फील्ड, इन द हॉस्पिटल्स विद द गवर्नमेंट. सुबह से लेकर रात तक वो घर नहीं जाते, दिस मच आई नो. फील्ड पे ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं. देन वी केच में जिस तरह से मेरे भाई ने भी जिक्र किया, राइजिंग यूथ का जो जरगुल जुबैर चला रही है. नाउ जरगुल जुबैर डज नॉट बिलोंग टू अ वेरी यू नो वेल ऑफ फैमिली, अगर हम उनके वेल्थ की बात करें, और यू नो शी ऑल्सो डज नॉट हैव दैट पॉलिटिकल जो एक क्या कहते हैं इस वक्त पोजिशन है या कुछ है, शी डज नॉट हैव दैट. लेकिन हमारे जो बलूच कल्चर में जो रस्म और रिवाज शुरू से जो चलते आ रहे हैं ऑफ कम्युनिटी वर्क, दैट इज स्टिल देयर. एंड दीज जो यूथ है हमारी, वो उन्हीं को ले, दिस इज नॉट कम्युनिटी वर्क इन बलूचिस्तान इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू. इट हैज ऑलवेज बिन देयर, इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. पहले जमाने में अगर किसी का घर बनाना होता था तो आजकल तो ये आप ले आते हैं मिस्त्री को, इनको उनको पैसे देकर आप अपना बना लेते हैं. बट इन दोज डेज एंड इन दोज टाइम, बी इट अ कारेज या किसी का घर, तो कम्युनिटी सारी मिलकर किसी के लिए घर बनाती थी, किसी के बाग में हेल्प करती थी, कारेज के डेवलपमेंट में हेल्प करती थी. तो ये जो है ये हमारे कल्चर में है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिंदा है. मॉडर्न टाइम्स हैं, मॉडर्न तरीके हैं. जरगुल जुबैर का जिस तरह से मैंने जिक्र किया, सैनिटाइजर्स भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, घरों में मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस अलोंग विद द गवर्नमेंट आल्सो. इसमें गवर्नमेंट की हेल्प काफी हद तक इस पार्ट में जिसकी मैं बात कर रही हूँ वहां पे रही है, इन द सेंस के इन जो डीसीज के साथ ये मिलकर अलोंग साइड काम कर रहे हैं. जिन एरियाज में गवर्नमेंट लैक कर रही है वहां पे ये जाकर हेल्प करे. सो इट इज अ ह्यूज हेल्प. देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हमारे यहाँ अगर देखा जाए. अब इफ आई कम टू सिंस द पास्ट 20 इयर्स, हमने खुद देखा है कि जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप वो काफी हद तक बलूचिस्तान में ऑन द ग्रास रूट लेवल काम कर रही हैं, और स्मॉल बिजनेसेस और ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं ये सारा कुछ हो रहा है. यूथ को एम्पावर करने की जरूरत है, यूथ को फोरफ्रंट में लाने की जरूरत है, यूथ को भी ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से देने की जरूरत है, उन्हें इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, हमारी यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है. These come to play on a larger scale, जिसमें government का role हम चाहें या ना चाहें कहीं ना कहीं लाजमन आ जाता है. Poverty भी है, challenges भी काफी हैं, लेकिन with a little bit of support, just a little bit of support, our youth can do wonders in Balochistan. इसके अंदर आप चाहे embroidery के जी एक चीज अगर हम pin point कर लें इसके, तो यहाँ पर अगर हम जी सोशल डेवलपमेंट या इंडिजिनस डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो आप फर्स्ट फाइव या थ्री जो हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, यंगस्टर्स की भी और गवर्नमेंट की. देखिए यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए. जी देखिए मैंने जो बलूचिस्तान में देखा है, वेदर यू कम टू क्राफ्ट्समैनशिप हमारी बहुत जबरदस्त है.
अब तक जो मे बी 100 साल पहले जो काम होता था एज फार एज क्राफ्ट इज कंसर्न वो अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है. देन वेन वी कम टू फूड प्रिजर्वेशन, हमारे यहाँ काफी ऐसी डिशेज हैं जो आप डेट्स को ले लें, ठीक है, आप अगर हमारे यहाँ एक आता है सज्जी होती है, सज्जी नहीं सॉरी लांदी होती है जो नॉर्दर्न एरियाज में बनती है, दैट कैन बी प्रिजर्व्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट विद द करेक्ट विद द राइट काइंड ऑफ यू नो पैकेजिंग एंड वो सारा कुछ. देन व्हेन वी कम टू हमारे यहाँ होता है उसे कहते हैं अनारदाने पे गोश्त पे अनारदाना लगा के उसे सन ड्राई करके दैट कैन बी पैकेज्ड एंड सोल्ड एज वेल. हमारे यहाँ पोइट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त पोइट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त राइटर्स हैं. वी ऑल्सो नीड टू पब्लिश, एक कोई ग्राउंड दें अपने ये जो इंटेलेक्चुअल जो बच्चे हैं हमारे, हमारे जो पोइट्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, उनको एक साथ लाने में एंड देन यू नो ऑल्सो हेल्पिंग देम पब्लिश देयर ओन बुक्स. हमारे यहाँ अगर आप बलूचिस्तान में देखें खवातीन कितना काम कर रही हैं, ब्लॉगिंग में खवातीन हैं, जर्नलिज्म में खवातीन हैं. अब ये कहाँ पे लैक करता है सारा, प्रोवाइडिंग देम विद द राइट प्लेटफॉर्म्स, दैट इज वेयर इट ऑल लैक्स. जो आप सर बात कर रहे थे कि जब हमारे यहाँ आप जब चाहते हैं कि बलूचिस्तान से बच्चे आए तो उनकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि whether their logistics are being paid for or not. Now, इन बच्चों में potential बहुत है, इन बच्चों को आगे आने की जरूरत है, इन बच्चों को जो bigger world है of Pakistan, उसमें introduce करने की जरूरत है. इनमें ना अकल की कमी है, ना potential की कमी है, ना जज्बे की कमी है, but poverty plays a very big role there. जबरदस्त. तो इनमें जब हम कहते हैं because जी 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 प्लीज प्लीज कैरी ऑन जी प्लीज. क्योंकि हमारे यहाँ रूरल सब रूरल एरियाज में लोग रहते हैं और जो अभी पिछले 10-13 साल से हालात रहे हैं बलूचिस्तान में, that has played it was very very progressive until the past you know 13 साल पहले बलूचिस्तान काफी अपने लेवल पे काफी इलाकों में काफी आगे जा रहा था. This played a very big role, जिसमें हम 100 साल पीछे चले गए हैं. अब हमें 200 साल आगे जाना है. और जो when we talk about the youth, then we have to leave behind जो हमारे पिछले policies थे, क्योंकि जिस तरीके से अभी modernized world में IT के साथ जिस तेजी से progress हो रहा है, youth can pick it up within minutes. उसमें वी डोंट हैव टू टेक ऑल दोस वो जो लंबे रूट्स हैं टू टेक देम टू दैट पोजीशंस. नो वी डोंट रियली हैव, वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसीज, वी नीड टू मॉडर्नाइज देम, वी नीड टू केटर टू द ग्रास रूट लेवल. अब हमारे यहाँ कोई आप पॉली एंड मी देख लें, इट्स अब मैं औरत हूँ तो ऑब्वियसली इन चीजों के बारे में ज्यादा जानती हूँ, लेकिन इट इज अ कंपनी मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो चित्राल में उसकी एम्ब्रॉयडरी बनती है, पैटर्न्स उन्हें दी जाती हैं. Then the designers take those patterns or leather ke zabardast bags banate hain uske with the best kind of finishing and all, aur ye bags 3 lakh mein bik rahe hain one piece. Certainly ye jo chain aapki hai production jo hai ye bahut hi vital role play kar sakti hai kisi bhi area ki poverty ko reduce karne ke liye. Ye specifically agar hum contemporary world ke andar dekhe to Chinese ne bhi इसी तरह से जो उनकी चेन प्रोडक्शन का जो मेथड था टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसी से अब देखें वो पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रहे हैं. तो आई टोटली एग्री कि आपने बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर पॉइंट ऐड किया. अभी हम गोहराम की तरफ जाते हैं, गोहराम से कुछ इनपुट लेते हैं, उसके बाद हम सवाल का एक सिलसिला हमारे यंगस्टर्स के साथ शुरू करेंगे. गोहराम आप जिस तरह अभी हमने देखा कि मैडम ने कुछ चीजों को पिन पॉइंट किया, इनका कहना था कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको बेहतर किया जाना चाहिए. पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इट मीन्स कि जो आपके डेवलप्ड एरियाज हैं, रूरल अर्बन की एक डिवाइड है और बलूचिस्तान का दूसरे एरियाज के साथ जो लिंक है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए. कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारे सामने शेर भाई ने भी रखे, इन्होंने भी हमें कुछ इसी हवाले से
यंगस्टर्स की एजुकेशन के हवाले से गाइड किया। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रायोरिटाइज करेंगे? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ दीज वर्ड्स विच आर यूज्ड फ्रॉम मैडम और शिवेली ने जो वर्ड्स यूज किए, रियली दे वर्ड्स आर अप्रिशिएटेड। और उसके बाद जितने आइडिया दिए हैं शिवेली ने और मैडम ने, वो ये मैं ऐड करता चलूँ कि मैडम ने जिस तरह कहा कि यहाँ के क्राफ्ट है जो बलूची क्राफ्ट हम उसको कहते हैं, हैंडमेड लोग बनाते हैं, उसको वैल्यू दी जाए ताकि जो हमारी पॉवर्टी बेस यहाँ पे तो बलूचिस्तान में अगर आप देख लें लिटरेसी रेट एजुकेशन के हिसाब से भी आप देख लें वी आर लैक फ्रॉम दिस एजुकेशन और पॉवर्टी बेस, तो भी बलूचिस्तान बहुत ज्यादा पॉवर्टी का शिकार है। बेसिक फैसिलिटीज से अभी तक हम लोग मेरू में यहाँ बलूचिस्तान के स्पेशली इन मकुरान दिस रूरल एरियाज हम लोग इसको आगे इसको प्रमोट इस तरह कर सकते हैं कि हम अपने हमारे यूथ बहुत हमारे यूथ के जो आप यूथ एम्पावरमेंट की अगर बात करें फिर यूथ पावर की बात करें, अगर यूथ की इंटरेस्ट की बात करें हमारे यूथ यहाँ पे बहुत सारे जो राइटर्स हैं दे आर ब्लॉगर्स जिस तरह मैडम ने आपको कहा, और उसके बाद हमारे यूथ की स्किल को प्रमोट किया जाए। हमें गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रूरल एरियाज में जहाँ पे थ्रू थ्रू दी स्टूडेंट्स जो अपने स्किल्स वहाँ पे प्रमोट करके उन स्किल्स के जरिए वो कुछ कमा सकें। और उसके बाद हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को ये चाहिए कि हम मुख्तलिफ में इस्लामाबाद में पढ़ाऊँ इंडियन यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है थ्रू बलूचिस्तान। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ये चाहिए या फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत सारे काबिल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतनी भी फीस नहीं है या इतनी भी पे नहीं है कि वो सफ़र कर सकें, तो वो किस तरह इस्लामाबाद तक पहुंच के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे इदारे में पढ़ के अपने लिए एक मिसाल बने, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए किस तरह वो मिसाल बन सकते हैं। आप उसको प्रमोट करें, ये उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप उसको बलूचिस्तान से उठाएं, पॉलिश करें, आप उसको यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भेजें ताकि वो फिर आपका आपके पॉलिसीज का हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है और हमारे लोगों की वहाँ पर जो एक वर्किंग स्किल्स हैं उससे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कई दफा हमारे नौजवान अपनी स्किल की बेस के ऊपर पाकिस्तान का नाम बलूचिस्तान का नाम रोशन करते हैं। स्पेशली एथलेटिक्स के अंदर देख लें या आप नॉलेज कम्पिटिशन के अंदर देख लें, आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड के हमारे लोग जिस तरह से अपनी ही एक जो है वो विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन वो सरवाइव भी करते हैं और कम्पीट भी करते हैं, और ट्रूली इंस्पायरिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। जैसे आप लोगों ने अभी माशाल्लाह 300-400 खानदानों को आप लोगों ने जो राशन पहुंचाया, तो ये जो एफर्ट्स हैं आप लोगों की ये इस चीज़ की गवाजी हैं कि आप लोग माशाल्लाह डेडिकेटेड हैं और अपने काम के अंदर बहुत हद तक मुखलस भी हैं। अभी हम शेर भाई से एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऑडियंस के सवाल की तरफ। शेर भाई, एक यहाँ पर जो अभी मैडम ने भी एक जिक्र किया और ये मेरे ख्याल है यह पूरे पाकिस्तान के अंदर ही हमारे ये चीज़ मौजूद है, साका भी आप अनम्यूट भी कर दीजिएगा, ये चीज़ हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ अभी मैडम ने पिन पॉइंट की, एक सोशल कैपिटल है, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, और ये एक दूसरे की हेल्प करने का जज्बा ही था कि आप लोगों ने कितनी जबरदस्त किस्म की कैंपेन लॉन्च की। तो आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी बलूचिस्तान की यूथ है वो किस तरफ जाएगी इस डेवलपमेंट के अगर हम देखें? काशिम भाई देखे, मैडम ने एक बहुत अच्छी बात की कि वी लैक सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे यूथ आके अपने फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं लेकिन उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। तो लैक ऑफ अप्रिसिएशन ये भी एक बहुत बड़ी वजूहत होती है कि लोग वापस डिसकंफर्ट जोन में चले जाते हैं, डिसकरेज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इनकरेज द यूथ, जब हम यूथ को इनकरेज करेंगे कि व्हाट दे आर डूइंग इट्स गुड, उसके बाद एक लेवल आती है लोग और लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं काम करने में। तो दिस डेवलपमेंट विल कंटिन्यू इन सच अ वे, first of all we need to appreciate the youth that they are doing a good job, jo bhi kar rahe hain
अपने एक मैं कहता हूँ कि लैक ऑफ फैसिलिटीज, इतने लैक ऑफ फैसिलिटीज के बावजूद जब लोग काम करने की में लगन होती है तो फिर भी काम कर रहे हैं. वी कैन कोट अ लॉट ऑफ, हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, बहुत हमसे ज्यादा मुश्किलों में है, वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में, हमने फिर भी मतलब अल्लाह ने आसानी की हमारे लिए, लोगों ने सपोर्ट किया. बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने दूर दराज इलाकों में, काशिफ भाई गए, मैं आपको क्या बताऊं, 12-12, 13-13 घंटे की ड्राइव करके गए हैं लोगों को राशन पहुंचाने के लिए. इस हार नाम का एक लड़का वाशिक डिस्ट्रिक्ट में है, और वाशिक डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से है. वहां पे आप ग्रोथ रेट उनकी देख लें और उनकी आप गजाइत की जो शरह निकालते हैं SDPI की तरफ से, वो आए थे कोई मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द 100 चाइल्ड पर ईयर वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में मर रहे हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से. तो बदकिस्मती यही है कि लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, प्लेटफॉर्म्स ना होने की वजह से कर नहीं पाते. एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि आप लोगों का जो वर्क है उसको मैक्सिमम सपोर्ट करने की जरूरत है. और आज भी हमने जो इस सेशन का इनकार किया, पूरे पाकिस्तान में लोग आपको, हजारों लोग आपको लाइव सेशन की सूरत में फेसबुक पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर हमने सिलेक्टेड 50 यंगस्टर्स को यहाँ पे इंगेज किया था, और उसमें से मैक्सिमम लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं. ये वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट से, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध और KP के तमाम सूबों से ये लोग मौजूद हैं. आप लोगों को आज एज ए हम रोल मॉडल के तौर पर हमारे तमाम यंगस्टर्स के सामने पेश कर रहे हैं. आप तीन लोगों को हमने आज इसलिए इनवाइट किया, आप लोगों से इसलिए टाइम लिया ताकि आप एज ए रोल मॉडल के तौर पर कि आप बहुत ही मार्जिनलाइज्ड एरियाज के अंदर, वल्नरेबल एरियाज के अंदर आप लोगों ने जो काम किए वो हमारे तमाम यंगस्टर्स के लिए जो अर्बन सिटीज के अंदर रहते हैं और लग्जरीज इंजॉय करते हैं और उसके बावजूद एक पैसिमिस्टिक सोच के साथ वो चलते हैं, तो आप लोगों की जो काम है, आप लोगों की जो मेहनत है, ये हम सब के लिए और नौजवानों के लिए खास तौर पर एक बुनियादी तौर पर उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है. तो अभी मैं साकब भाई से कहूँगा कि कुछ लोग अगर सवालात करना चाहें, चूँकि सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, और अगर आप कंक्लूड करना चाहें, शेर भाई आप कंक्लूड करें, उसके बाद हम सवालात की तरफ जाएंगे. जी शेर भाई लास्ट वर्ड्स कहें, उसके बाद हम फिर सवालात की तरफ जाते. जी जी काशिफ भाई जी, मैं ये कह रहा था कि हमारी डिस्कशन जो है वो इंडिजीनियस डेवलपमेंट में है. मैं दो बातें कहना चाहूंगा इस पे. सबसे पहला ये कि इंडिजीनियस डेवलपमेंट के लिए हमें ये करना चाहिए कि लोगों को हम बेनिफिट्स दें. वी हैव टू क्रिएट बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव आउटकम्स रिसर्च करके, रिसर्च बेस्ड. एंड सेकेंडली हमें उनकी डिस्टिंक्टनेस जो है, मतलब वो बाकी खितों से अगर अलग हैं तो उनकी अलग होने की वजह कौन, हमने इनको इंकरेज करना चाहिए. उनके एसेट्स, उनके रिसोर्सेज, उनके पास जो नॉलेज है, हम उनको सर्टेन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें ताकि वो इस चीज को डेवलप करते जाएं और अपने कंट्री के लिए मेहनत करते जाएं. बहुत जबरदस्त जबरदस्त. जी साकिब भाई कुछ सवाल आते हैं. जी सर, आई वुड लाइक टू ऐड अप हियर. मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा और कुछ सजेशंस देना चाहूंगा. मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो है कमेंट्स की बजाय सवालात के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, तो ये ज्यादा प्रीसाइज ब्रीफ और जो क्वेश्चंस जो हैं. थैंक यू. जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर. मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज के आप तीनों ने माशाल्लाह बहुत वर्क किया है, अपने राशन ड्राइव्स किए हैं या वो मैडम अपनी तरफ से काम कर रही हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि आगे आने वाले दिनों में या आप लोग किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के पास अपने इनिशिएटिव को जब तक लेकर नहीं जाएंगे तो वो आपके पास नहीं आएंगे चल के. आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा उनके पास अपने इनिशिएटिव लेके, अपने प्रोजेक्ट लेकर या अपनी मेहनत लेकर के हम ये कर रहे हैं, आई हमें सपोर्ट करें. वट मेजर्स यू हैव टेकन, कि आप लोगों ने क्या वो कौन से मेजर्स अपनाए हैं या वो कौन सी प्लानिंग की है या प्रोजेक्ट किए हैं अपनी यूथ को लेकर, जो इनिशिएटिव आप अगर गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएं तो वो उनको अट्रैक्ट. क्वेश्चन किससे है, कोई भी आंसर. जी सर, एनी थ्री ऑफ यू कोई भी आंसर कर लें इसमें. नहीं ठीक, मैं आंसर को आराम लो लो. मेरा ख्याल है कि जो सवाल जो करे, सॉरी टू इंटरप्ट, जो भी सवाल करे वो पिन पॉइंट कर दे ताकि हमें पता चले कि कौन जवाब देंगे. मैडम रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे. जी मैडम. जी गवर्नमेंट के, देखें गवर्नमेंट में यू आर वेरी मच राइट कि जब तक हम गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे दे नॉट गोइंग टू कम अप टू अस, बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट नो के
कौन यहाँ पे काम करना चाह रहा है और किस तरह का जो है काम करना चाह रहा है। मैंने अब तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात आई, पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, विच इज बिकॉज इट इज द पॉलिसी वी कांट से मच इन इट। लेकिन मेरे जो मैंने अमेरिकन बोर्ड का जो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के जो टीचर्स को देना चाह रहे हैं, दैट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय बलूचिस्तान गवर्नमेंट। उसके अलावा अभी अमार जाफरी के साथ और पैगाम पाकिस्तान के साथ हम जो काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अभी एक प्रोजेक्ट लेकर गई है टू प्रिपेयर द यूथ ऑफ बलूचिस्तान आफ्टर कोविड, राइट। वो भी बलूचिस्तान के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से उसे रिसीव किया है। एक दो और मेरे प्रोजेक्ट्स थे, एक था कि ये जो कराची के डॉक्टर्स हैं दे शुड कम बैक, एक जमाने में करते थे, बिकॉज जो हालात हुए बलूचिस्तान के लॉ एंड सिक्योरिटी के उसकी वजह से रुक गया। आई वॉन्टेड कि वो दोबारा से बहाल हो। वो यहाँ पे आकर कैंप्स लगाते थे बाकायदा रूरल एरियाज और लोगों के चेक वगैरह हो जाते थे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर दे गो टू कराची बिकॉज इट इज नियरर, कोई किसी बुखार के लिए भी दे बेसिकली गो टू कराची। तो मैं उनको यहाँ लाना चाह रही थी, लेकिन फिर एक तो लॉ एंड ऑर्डर का उनको थोड़ा बहुत डर था, तो वो परसेप्शन दूर करना था उनके साथ। उसमें लगे हुए थे कि कोविड बीच में आ गया and everyone needs their, every province needs their doctors themselves. So, yes, but there are still many projects today hogi and government ka farz banta hai ki hame apni full fledged support agar to wo samajhte hain that their policies jo is waqt hain गवर्नमेंट के, देन यस वी विल नीड फुल सपोर्ट। हमें जर्नलिस्ट्स हैं हमारे, उन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं काफी ज्यादा यहाँ बलूच आगे लेकर जाने की जरूरत है। गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन दैट। आपका कामयाब जवान ये कर रहा है, आपका एहसास ये कर रहा है, आपके बैतुल माल से ये चीजें हो रही हैं, ये जो इनकम फ्री सॉरी इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं, ये हमारे यूथ को काफी हद तक हेल्प कर सकती हैं। मैंने इंक्यूबेशन सेंटर्स का यूनिवर्सिटी में जिक्र किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स का यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, ये हमें बहाल करने पड़ेंगे। दीज आर द प्लेसेस वेयर वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। एंड आई थिंक काफी जो यूथ को प्रॉब्लम आती है, दैट इज द रीच एंड एक्सेस टू द राइट पीपल इन द गवर्नमेंट सेक्टर, इसको थोड़ा ईज आउट हमें करना पड़ेगा। सर्टेनली, जब तक आई टोटली एग्री कि जब तक आपके कंट्री की पॉलिसीज जो हैं वो प्रॉपरली उसकी एडवोकेसी नहीं होगी, हमारे यंगस्टर्स अपनी पॉलिसीज की एडवोकेसी नहीं करेंगी, तब तक जो है वो गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट आपकी पॉलिसीज को उसी वक्त अडॉप्ट करती है जब उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी और कंसिस्टेंसी के साथ उनको जो है वो प्लीड किया जाएगा। जी साका, भी कुछ और सवाल जो है मिलानी मुजम्मिल मलानी साहब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक के मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो जल्दी से अपना क्वेश्चन अगर रेज कर दें। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल भाई प्लीज प्रिसाइज और फोकस्ड क्वेश्चन कीजिएगा। काशिफ भाई, मेरा प्रिसाइज क्वेश्चन तो सिर्फ बहुत छोटा सा ही है, लेकिन एक थोड़ी सी सजेशन है, क्योंकि जिस तरीके से ये तीन हमारे एक मोटिवेटर्स हैं या तीन वो लोग जिनको हम देख के अपने इंस्पायर हो सकते हैं वो काम कर रहे हैं, तो देखिए जिस मेरा सिर्फ एक छोटा सा ये मानना है कि बलूचिस्तान को अगर हम मोस्टली जगह पे बलूचिस्तान का नाम लेते हैं तो आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि लोगों के दिल में सबसे पहली एक चीज आती है, थोड़ा सा खौफ आ जाता है, क्योंकि जिस तरह बलूचिस्तान का बैकग्राउंड रखा गया या बलूचिस्तान का बैकग्राउंड रहा है, पहले एक चलता था शिया सुन्नी फसादात चलते थे, फिर आगे और भी चीज आती गई, लेकिन उसकी आगे जब कुंड मलीर का एक एक्सप्लोर आया तो लोगों ने वहां जाना शुरू किया, एक पॉजिटिविटी, एक खूबसूरत जगह आई। अच्छा, उस वक्त जब लोगों ने जाना शुरू किया तो हमारे एफसीएलका ने हमारी हेल्प आउट की, वहां पर उन्होंने एक अच्छा वो बना दिया कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी,
तो पहले हम अगर अपनी यूथ की तरफ से, बलूचिस्तान की जो यूथ अगर किसी चीज से डरती है तो वो इसी वजह से डरती है कि हमारे बलूचिस्तान का नाम यार बाकी सूबों में डर की अलामत बना दिया जाता है। अगर हमारी पॉजिटिविटी को सबसे पहले दिखा दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में मैं खुद ज्यादा नहीं गया हूँ, थोड़ा सा गया हूँ, हिंगोल नेशनल पार्क में हमारे पास अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे पहाड़ है कि अगर हम सिर्फ उन्हीं पहाड़ों को फोकस करके एक ट्रेंड बना दें या एक उनको बूस्ट लगा दें कि अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी कुदरत रखी हुई है, तो वो एक पॉइंट में आ जाएगी कि बलूचिस्तान में ये चीजें भी हैं हमारे पास। जब बलूचिस्तान की पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू होगी तो हमारे वहां की यूथ खुद आगे आना शुरू होगी कि यार ये भी हमारे पास, यार ये भी है हमारे पास, तो क्यों ना। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट उस वक्त तक नहीं इनिशिएट लेगी जब तक, सिंपल सी बात है, कोई भी इनिशिएट उस वक्त तक नहीं लेगा जब तक उनको लालच नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह है जो सिर्फ सियाहत से कमा रही है और बलूचिस्तान एक सियाहत के लिए बहुत अच्छा हब मेरे ख्याल में बन सकता है अगर उसको पॉजिटिविटी हम उसकी क्रिएट करते हैं। हमारे पास प्रिंसेस ऑफ होप जैसी इतनी बड़ी चीज है जो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी कुदरत है कि किसी ने अपने हाथ से नहीं बनाया, किसी ने उसको तराशा नहीं है, वो रब ताला की कुदरत है। हिंगोल में एक से एक चीज है, व्हाइट माउंटेन आई थिंक बलूचिस्तान में ही है, तो क्यों ना हम पहले बलूचिस्तान की पॉजिटिविटी क्रिएट करें, वहां के यूथ में एक चीज उजागर करें कि यार बलूचिस्तान की चीजें एक्सप्लोर करके। आजकल सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि आई के इमरान खान साहब भी आकर सोशल मीडिया के ट्रेंड को रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक चीज जब ट्रेंड आपके बलूचिस्तान की बन जाएगी कि हाँ बलूचिस्तान में ये भी मौजूद है, तो लोग इंशाल्लाह खुद खींचे हुए चले आएंगे। और जिस अफकुल मलिक की सिंपल मिसाल है, चढ़ना आइलैंड किसी को नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तो वहां पर आज 15,000 रुपए के पैकेज वो लोग ऑफर कर रहे होते हैं। कुल मलिक किसी को नहीं पता था, आज वो 24 आवर्स के वो 3,000 रुपए ले रहे होते हैं। तो क्यों ना हम पहले बलूचिस्तान एक काम ये करें कि हम बलूचिस्तान की पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। जी जी मुजम्मल भाई, आपका सवाल आ गया, बल्कि आपका बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कमेंट था, और आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड के जिस तरह से आप एक मुस्बत तरीके से आपने सोचा। और गालबन ये एक ऐसी साइड है जिसे हम काफ़ी जो है वो हमने मिस किया। मिसाल के तौर पर हमने बलूचिस्तान के हॉस्पिटल के लिए कैंपेन चलाई जिन्हें गुहराम और शेर जो है वो लीड करते रहे उस कैंपेन के अंदर, लेकिन सर्टनली ये एक ऐसा इशू था, ये एक ऐसी एरिया था जिसे हम गालबन मिस कर गए और हमें शायद इसे मिस नहीं करना चाहिए था। मैं गुहराम और शेर भाई या मैडम जो भी इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहे बलूचिस्तान की ब्यूटी को हाईलाइट करने के हवाले से। जी काशिफ साहब, मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह मुजम्मिल भाई ने कहा कि बलूचिस्तान ब्यूटीफुल है, वाकई बलूचिस्तान एक वैली है, बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से हम उनको ना दिखा सकते हैं, ना वो आज तक आप लोग देख सके। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोग, शायद भी कुछ कोई जो मुझे देख रहा होगा, वो खुजदार डिस्ट्रिक्ट खुजदार में एक जगह है मूला चुट्टो के नाम से, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वर्ल्ड वाइड उसकी बहुत तारीफें होती रहती हैं, लेकिन उस जगह पे आप जा कैसे सकते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बहुत कम जितने भी लोग हैं वो अपनी मदद आप जाते हैं, बेसिक जो रूरल एरिया के लोग हैं वही जाते हैं। आजकल इन्होंने एक मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं आदिल और दूसरे लोग हैं, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया हुआ है कि कराची से लोगों को पैकेज देने वो आ रहे हैं इस ब्यूटीफुल जगह को देख रहे हैं। इस तरह के हमारे पास ज्यारत की जगह है, ज्यारत में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल जगह हैं, एंगुल में है, एंगुल की जिस तरह आप मुजम्मिल भाई ने बात किया, एंगुल में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो एंगुल में एक नानी मंदिर, नानी मंदिर इट्स द बिगेस्ट मंदिर आई थिंक, तो यात्रियां वहां से बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, तो इस जगह को भी प्रमोट करना चाहिए। जगह तो बहुत सारे हमारे पास प्रमोट करने के, मैं फर्स्टली मैंने भी यही कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे अपने लोगों की कमजोरियां कुछ ऐसे हैं कि हम इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते, इनको प्रमोट करने के लिए फैसिलिटीज की जरूरत है जिन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा गवर्नमेंट से। आपको आपको सर पता है पिछली दफा हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, आप लोगों ने हमारे साथ भी हॉस्पिटल्स की पंजगुर मेरे डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने कैंपिंग चलाई ट्विटर ट्रेंड, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया, पंजगुर में सब कैंपस यूनिवर्सिटी अभी ओपन हो गया तुर्बत सब कैंपस का। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हाईलाइट करने, मुजम्मिल की बात सही है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं,
और हमारे साथ हमारे यूथ भी है, आप लोगों ने भी हमें साथ दिए, काफी और लोगों ने भी, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं उस पब्लिक का कि उन्होंने हमें हमेशा साथ दिया है। तो इस तरह हम लोग इंशाल्लाह और भी काम करेंगे, जितने भी जगह होंगे उनको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चीजों को प्रमोट करना और अप्रिशिएट करना कंपैरेटिवली आसान होता है कि हम ऑन ग्राउंड जाके काम करें। ऑन ग्राउंड भी इंशाल्लाह हम विद द पैसेज ऑफ टाइम पोस्ट कोविड हमारी जो प्लानिंग है उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेंट को हम कॉन्टेक्ट को हम बहुत ही ज्यादा इंशाल्लाह इन्हेंस करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सी चीजें हमने प्लान की हैं जो पाइपलाइन में, ऑन ग्राउंड आप लोग ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह हमारी जो एक्टिविटीज ऑन ग्राउंड पोस्ट कोविड होंगी। लेकिन अभी चूंकि डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी हम कुछ दिनों तक कुछ इस तरह के हैशटैग्स डिफाइन करेंगे जिसमें बलूचिस्तान की ब्यूटी को, बलूचिस्तान की रिलीजियस टूरिज्म को, नेचुरल टूरिज्म को हम प्रमोट करने के लिए काम कर सके। अब चलते हैं मैडम की तरफ, मैडम कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी, जिस तरह भाई ने अभी बात की, वो हिंगोल नेशनल पार्क की जो बात कर रहे थे, नानी मंदिर, हिंगलाज मंदिर भी उसे कहा जाता है, और जो वहाँ पे जो ईयरली फेस्टिवल इनका जो होता है रिलीजियस फेस्टिवल, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो हिंदू कम्युनिटी है दे पार्टिसिपेट, मेनी ऑफ द मुस्लिम्स आल्सो गो एंड यू नो सी के अपने जानकारी के लिए, एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी फेस्टिव जो फेस्टिवल है वो है। अब अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, करतारपुर है ना, उसे बहाल कर दिया सिखों के लिए, एंड वी सॉ द ओवरनाइट चेंज हर लेवल पे, टूरिज्म पे भी हमने देखा, रिलीजियस टूरिज्म पे भी हो रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान से भी लोग आकर देख रहे हैं वहां पे। वेरी सून इंशाल्लाह मैं भी जाकर, मैंने भी विजिट किया, एंड जिस तरह से वो इलाका है वेरी सून उसमें प्रोग्रेस आएगा, डेवलपमेंट भी होगी, एक छोटी दुकान खुल जाएगी, एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक आप कहते हैं कोई टक शॉप खुल जाएगा, ये सारी चीजें। सिमिलरली द सेम कैन बी डन फॉर हिंगलाज जो मंदिर है, नानी मंदिर जो है वो है। कलात में अगर आप जाएं तो कलात में हमारे यहाँ वी हैव द बिगेस्ट काली माता स्टैचू मंदिर इन कलात, राइट? तो ये तो ये वो चीजें हैं जिन्हें अगर बहाल करें सो नॉट ओनली बलूचिस्तान का जो एक इकोनॉमिक पावर है वो बढ़ेगी बल्कि पूरे पाकिस्तान की बढ़ेगी। यू नो व्हेन फॉरेन करेंसी स्टार्ट्स कमिंग इन तो वो पूरे आपके जो कंट्री है उसको फायदा देता है। अदर देन दैट इन्होंने जो मुला चुटक की बात की, देर आर मेनी प्लेसेस लाइक दिस इन झलमगसी एज वेल, आप बोलान में जाकर देख लें, आप केच की तरफ आ जाएं, देर आर अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वेल। लेकिन अब वहां पे लोगों को जाने के लिए क्या चाहिए होता है? अ स्मॉल प्लेस, अ क्लीन प्लेस वेयर दे कैन स्टे विद बेसिक फैसिलिटीज, फूड हो गया आपका, क्लीन वॉशरूम, क्लीन बेडशीट्स एंड अ बेड टू स्लीप इन एट नाइट। इन जगहों पे जब आप जाते हैं देयर आल्सो यू नीड अ टक शॉप, यू नीड अ स्मॉल, यू नो यू नीड पब्लिक वॉशरूम्स, इस तरह की चीजें। ये अगर डेवलप हो जाए तो ये जो लोग टूरिज्म गाइड्स जो हैं, गाइड जो होते हैं लोकली, उनको काफी ज्यादा जो है ना जॉब्स वगैरह वो क्रिएट हो सकती हैं। सो इट इज इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। बट बिकॉज जो हम फैसिलिटीज की बात करें, अभी डिजिटल वर्ल्ड है, देर आर सो मेनी ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, बहुत फायदा है। बट देर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पे वी डोंट हैव इंटरनेट फैसिलिटी। सो वेन वी टॉक अबाउट लैक ऑफ फैसिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज फैसिलिटीज विच कैन कनेक्ट अस टू द मेन मार्केट, वो जो है ना हमारे यहाँ लैक कर रही है। हमारे यहाँ ब्यूटी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों के काम करने की कमी नहीं है, रोजगार खुद ब खुद निकल आएगा। सो व्हेन वी से लैक ऑफ फैसिलिटीज जो हम पॉइंट बार बार ला रहे हैं, तो वो फैसिलिटीज ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हर चीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब तक हम इन हमारी खूबसूरत जगहों के ऊपर टूरिज्म को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो वहां पर हमें लोगों को फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली ये इतना कॉस्टली नहीं है, क्योंकि हमने देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अपने मोर देन 20% GDP अपने टूरिज्म से कमाते हैं। और अगर हम अपने एरियाज की पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं तो दिस कैन प्ले अ वाइटल रोल।
अभी अगर आप वाइटल रोल, और अभी फॉर इंस्टेंस हम देख लें कि इस्लामाबाद मरी का जो है लोगों से इतना ज्यादा यहाँ पर रश हो जाता है, वजह क्या है? वजह क्या है कि वहाँ पे लोगों को रिहाइश की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है, दैट्स एनफ। और मेरा ख्याल ये एक आज की अगर हम डिस्कशन से कंक्लूड करें तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हमने आज गेन किया कि जो बलूचिस्तान की हमारी जो टूरिज्म है वो वहाँ की जो नेटिव पॉवर्टी है, इंडिजिनस पॉवर्टी है, उसको ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। वापस चलते हैं साकिब की तरफ। साकिब, कुछ सवाल हैं? जी सर, क्वेश्चन अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दें। जी कदीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, यू आर ऑडिबल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बलूचिस्तान टीम का और फैशन वजीर कंबो साहब का कि माशाल्लाह से उन्होंने एक उस तरफ लेके गए हैं जिधर हमें जाना चाहिए था। तो मैं नहीं करूंगा ना कोई कमेंट्स दूंगा, मैं विश करूंगा कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म होता है तो बलूचिस्तान की ब्यूटी को, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारी डीवाई टीम इंशाल्लाह विजिट करेगी बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच कदीर भाई, थैंक यू सो मच। बाकी अफाक भाई, अफाक को अनम्यूट कर दें, वो काफी देर से सवाल। तो मैंने तो जो सेशन सुना बहुत इंफॉर्मेटिव था और यूथ के लिए तो खासकर इंफॉर्मेटिव था, और जो हमारे बलूचिस्तान की यूथ है माशाल्लाह उनकी जो मतलब जो स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स है वो भी बहुत अच्छी है। और अभी तक तो मेरा कोई सवाल नहीं है, मगर हमें चाहिए कि मतलब हमारे अब जो बलूचिस्तान की यूथ है उनको भी प्रमोट करें अपने साथ साथ। और अभी मैं ट्विटर देख रहा था तो हमारे HEC ने जो एक ट्वीट किया था उसमें उन्होंने बलूचिस्तान और GB के लिए खास कर उनके लिए 250 मिलियन पैकेज रखा है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है हमारे पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए। जी थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कमेंट। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई ट्रूली आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं इसके साथ ही कि हमारे जो यंगस्टर्स थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया बलूचिस्तान से, गुहराम शरीफ, शेर अली बलोच, मैडम लुलवा मोहम्मद रफीक, आप लोगों का जो कमेंट्स थे ये नो डाउट आज हमारे यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल की अहमियत रखते थे कि आपने बहुत ही लिमिटेड वसाइल के अंदर जिस तरह से अपना नाम पैदा किया, अपने इलाके का नाम पैदा किया और अपने मुल्क के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बने, ये आप ये हमारे तमाम यंगस्टर्स के लिए यकीनन एक काबिल फख्र बात है। और इसी के साथ किसी और सेशन में इंशाल्लाह आप सब लोगों से हम दोबारा आपको दावत देंगे, आपसे सुनेंगे और इंशाल्लाह पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की जो कमिटमेंट है इंशाल्लाह उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।